नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन मिश्रा। पीके हिंदी ज्ञान बुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा भी मिस ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं, आपके गली मोहल्ले या फिर गांव में किन किन लोगों को कितना पैसा मिल चुका है, कितना अभी बाकी है, ये सारी डिटेल्स आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या फिर पीसी से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, या फिर आप उस सूची को इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। होता क्या है, कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ भी मिल जाता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता है, तो उन्हीं लोगों के लिए ही खास करके ये साइट बनाई गई है। इस साइट पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के किसी भी साल का न्यू अपडेट सूची में आप अपना या किसी और का नाम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के विषय पर जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आप वीडियो के नीचे अंगूठे का आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक घंटे का आइकन, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा तो उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है PMAYG, इतना टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट साइट आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपको इसी पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट करके और क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं सिंपल सा इंटरफेस इस वेबसाइट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर दो ऑप्शन हैं इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, और यहाँ पर जो ऑल स्टेट यहाँ पर ये वाला है, इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ से आप अपना जो है स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सभी स्टेट यहाँ पर दिखाई देंगे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, यहाँ पर हरियाणा, सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा, तो थोड़ा वेट कर लेना है आपको। इसके बाद फिर से आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, तो आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा यहाँ पर बहराइच है तो मैं बहराइच पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर से यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा और फिर से आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना टाउन सिलेक्ट करना है, मतलब कि अपना ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो ब्लॉक है वो महसी है, तो मैं महसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर से यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको सिलेक्ट पर क्लिक करके अपना ग्राम जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो ग्राम है वो है बहादुरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है लास्ट प्रोसेस आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर आप इसे देखना चाहें डेस्कटॉप साइट पर, तो यहाँ पर जो राइट में ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दें, तो इससे क्या होगा कि ये डेस्कटॉप साइट में दिखाई देगा, पर मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल जो है बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो है आपको सही से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने डेस्कटॉप साइट को यहाँ से डिसेबल किया हुआ है। तो इस तरह से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसके बाद विलेज भवानीपुर यहाँ पर देख सकते हैं, और रेज नंबर यहाँ पर रेज नंबर दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर बेनिफिशियरी नाम यहाँ पर आपको
दिखाई देगा, मतलब किन किन लोगों का नाम इस सूची में है, किन लोगों को आवास मिला है, किन लोगों को अभी नहीं मिला है। फिर आप स्क्रॉल करेंगे इधर को, यहाँ पर फादर्स और मदर्स नाम यहाँ पर दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको और थोड़ा स्क्रॉल करना है इस तरह से, हाउस अटेंडेड यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ज्वाइंट हस्बैंड एंड वाइफ। इसके बाद और आप जो स्क्रॉल करेंगे इधर को, तो सेक्शन नंबर, आपको सेक्शन नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आप थोड़ा इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितना अमाउंट आवास पर मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1,20,000 जो है अभी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए जो है मिलता है। इसके बाद किन लोगों को तीनों किस्त मिल चुकी है, देखिए यहाँ पर 3-3 लिखा हुआ है, किसी को 2 किस्त का भी भुगतान हुआ है, किसी को पूरा भुगतान हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनको 2 किस्त मिली हुई है, 1,10,000 मतलब अभी इनका 10,000 बकाया है। तो यहाँ पर प्लेंथ पर, यहाँ पर जो है प्लेंथ लिखा हुआ है, और जिनका तीनों किस्त जो है कंप्लीट हो चुका है उन्हें, उनका यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर आप जो नहीं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्रोसेस साइड, मतलब यहाँ पर जो अब जो आवास आएंगे वो सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी जो है सूची में अपना नाम देख सकते हैं, और किन लोगों को कितना पैसा मिला है, कितना भुगतान हो चुका है, कितना अभी बकाया है, ये सारा कुछ आप यहां से देख सकते हैं। अब अगर आप इस पूरी सूची को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एक्सेल। और अगर आप जो है मोबाइल से इसे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सूची ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर ये बता रहा है डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन, तो मैं दोबारा से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप इस सूची को अपने मोबाइल में रख सकते हैं, जब चाहें तब आप इसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं, या फिर जो है प्रिंटर से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों मैंने इस साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके इस साइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी PK हिंदी ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।